Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया उस पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी करने की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने बयान में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस से ये मांग की कि अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वो इसलिए क्योंकि लगातार बांग्लादेश के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां कट्टरवादी ताकतें लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही हैं, उनके जान के पीछे पड़ी हुई है, उनके घरों के पीछे पड़ी हुई है, उनके मंदिरों के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे में पीएम मोदी ने जिस अंदाज में ये बात कही है, ये संदेश साफ है बांग्लादेश को कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन आपको अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी, आपको हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पड़ोसी देश में जिस तरह से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ा। इस घटनाक्रम के 3 दिन बाद वहां एक सरकार अंतरिम रूप से काम करने के लिए बैठी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। जिस तरह से 84 साल के अर्थशास्त्री यूनुस को छात्र प्रदर्शनकारियों से अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में समर्थन मिला, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। वो पेरिस से ढाका लौटे, सीधे अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो बांग्लादेश में सामने आए। बांग्लादेश के नए प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस ऐसे 32वें शख्स हैं जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और अब राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी निभाएंगे। इससे पहले पूरी दुनिया में 31 लोग और हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला और उन्होंने राष्ट्र प्रमुख की भूमिका भी निभाई। लेकिन जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध रहे हैं, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि भारत बांग्लादेश के संबंधों में सरकार बदलने के बाद, व्यक्ति बदलने के बाद कुछ खास बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर कट्टरवादी ताकतें बांग्लादेशी सरकार पर हावी हुई तो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। फिलहाल बांग्लादेश छोड़कर आई शेख हसीना भारत में ही सेफ हाउस में मौजूद हैं और अब आगे वो क्या करेंगी, इस पर अभी कोई स्थिति साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।